जनपद संभल के भेजोई कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में बने व अर्धबने शस्त्र शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद करके एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जबकि एक मौके से फरार पुलिस अधीक्षक संभल चक्रेश मिश्रा व अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन तथा पुलिस क्षेत्र अधिकारी चंदोसी गोपाल सिंह व कोतवाली प्रभारी भेजोई रविन्द्र प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में जनपद में अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मैं पुलिस टीम के साथ छापेमारी के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए करीमपुर के जंगल में खंडर में अवैध तमंचों एवं बंदूक का निर्माण करते हुए अभियुक्त इब्राहिम को अवैध शस्त्रों व शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी राजेंद्र मौके से भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से पुलिस ने 19 बने व अर्धबने शस्त्र व 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। इस विषय में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि भेजोई कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को 19 बने व अर्धबने तमंचे व 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। संभल जनपद की पुलिस के द्वारा आने वाले पंचायती चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध शस्त्र बनाने वाले तथा इसकी बिक्री करने वाले लोगों के विरुद्ध धरपकड़ का अभियान जारी है। इसी क्रम में लगातार तीसरे दिन आज बहजोई पुलिस के द्वारा अपनी टीम के द्वारा एक छापा मारा गया, जिसमें एक व्यक्ति इब्राहिम ये गिरफ्तार हुआ है। ये इसके विरुद्ध पहले भी आपराधिक इतिहास इसका रहा है। इसके पास से कुल 19 बने व अधबने तमंचे बरामद हुए हैं तथा साथ में 5 जिंदा कारतूस व कुछ शस्त्र बनाने का सामान जैसे भट्टी में चलने वाली धोंकनी और इस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं, जो सभी आज आपके सामने हैं। इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। संभल पुलिस लगातार इसी तरह से जो लोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए अवैध शस्त्र अथवा अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, उनको लगातार जेल भेजने का सिलसिला जारी रखेगी।